नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ सीखते हैं कंप्लीट ए मास रिपोर्ट ऑटोमेशन। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स जो है आउट ऑफ द एक्सेल क्लासेस से आते हैं, तो हमने इस सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सर्च, किसी भी फाइल को कैसे सर्च करेंगे। देखिए, अगर आपको फाइल की लोकेशन पता है तो आप माय कंप्यूटर में जाएंगे और वहां से अपने ड्राइव में जाएंगे और ड्राइव के उस फोल्डर में जाएंगे और उस फाइल को ढूंढ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ है, तो मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और फाइल को ओपन कर लूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पता ना हो कि मेरी फाइल कहाँ है तो कैसे सर्च करें। तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी ड्राइव है सारे ड्राइव को स्कैन करेगा और इसके लिए काफी टाइम कंज्यूम करेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेटा नाम से सर्च करना है, तो मैं यहाँ सर्च दिस पीसी पे गया, क्लिक किया डेटा को लिख के और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे डेटा हमारा सर्च होना शुरू हो जाएगा। अब डेटा किसी भी फाइल का नाम हो, उसके अंदर का कंटेंट हो, या फिर कोई किसी भी टाइप का फाइल्स हो, वो आपको यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको डेटा नाम का किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है, तो यहाँ पे आप जो है डॉट एक्सेलेस एक्स कर दीजिए, एक्सेलेस कर दिया हमने। अब क्या है कि अब सर्च करेगा डेटा डॉट एक्सेलेस को, तो ये एक्सेल की फाइल को ही सर्च करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलेस भी हो सकता है, एक्सेलेस एक्स भी हो सकता है, एक्सेलेस एम भी हो सकता है। तो यहां पे आप जो है स्टार लगाने से क्या होगा कि डेटा डॉट एक्सेलेस के बाद कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा भी नहीं है, हो सकता है मास्टर डेटा हो सकता है सैंपल डेटा हो। तो इसके आगे भी आप अगर स्टार लगा देते हैं तो मास्टर डेटा में डेटा को और एक्सलेक्स को डॉट एक्सलेक्स को सर्च कर लेगा। जैसे यहाँ देखिए सर्च कर, इस तरह से सर्च कर सकते हैं, लेकिन होल पीसी में सर्च करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। उसके बाद आपको मान लीजिए कि आपका फाइल का नाम जो है वो है डेटा डेटा, उसके बाद दो लेटर कुछ हो सकता है, लेकिन क्या लेटर है आपको आइडिया नहीं है, यानी बहुत सारे लेटर है, सारे चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं डेटा और दो बार क्वेश्चन मार्क डॉट, और देना है एक्सलेस एक्स दे सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क्स में क्या हो गया कि वो ढूंढेगा कि भाई डेटा के बाद यहाँ पे दो डिजिट कौन है, मतलब डेटा के बाद कोई भी दो डिजिट को, दो करेक्टर को, दो नंबर को देख लेगा, सर्च कर लेगा। उसके बाद बात आती है कि मल्टीपल सर्च करना। अभी क्या है कि आपको मान लीजिए कि अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे पास आया था इस रिलेटेड क्यूरी, मैं डेटा में आता हूँ एसपी ने बात की थी मुझसे। अभी क्या है कि मेरे पास जो एक मोबाइल नंबर है, अगर मैं यहाँ पे 8802579388 करूँ तो बता देगा कि ये नंबर किस में है। अभी ये है किसी फाइल का नाम नहीं है, ये डबल ए नंबर इस फाइल के अंदर है डेटा के रूप में, तो उन्होंने ढूंढ के बता दिया इसमें। अब मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे 8268082893 करूंगा, फिर एंटर मारूंगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरे नंबर फाइल में आ गया। तीसरा नंबर है तो 9968811487 करूंगा तो तीसरा नंबर आएगा। और मान लीजिए एक दो नंबर ढूंढना है तो यहीं पे डायरेक्ट लिख दीजिए 8025793888, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर लेटर में और लगाए और यहाँ पे आप अपना दूसरा नंबर जो है लिख दें 8826828093। यहाँ देखिए दोनों को एक बार सर्च करके दे देगा, दोनों को एक बार सर्च करके आपको यहाँ दे रहा है। बहुत ज्यादा है, मान लो 100-200 नंबर है, पे उसको लिख लें टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा के और इसके बारे में
और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। कैसे करेंगे इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाएं, मैं नाम का एक क्लिक करके मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें और डेली बेसिस पे इसी तरह के 5-10 एडवांस कंप्यूटर ट्रिक्स के बारे में आप जानते रहें, वो भी हिंदी में मेरे साथ सुजीत कुमार। और वीडियो अच्छा करे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे एडवांस एक्सेल की कोर्सेज को करना है तो मुझे कॉल करें। थैंक यू।